सखर के नौजवानों ने महंगी रोटी का तोड़ निकाल लिया, मुख्तलिफ मकामात पर सस्ते फूड स्टॉल लगाना शुरू कर दिए। जरूरतमंद तबका सारे यहाँ पे आके बैठ रहे हैं और फखर से अपना खाना खा रहे हैं। 50 रुपए का रखने का मकसद ये किसी की इज्जत और नफ्स ठेस ना पहुँचे। बताइएगा क्या मंसूबा है और इसका शुरू करने का आपको ख्याल कैसे आया? सर जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान में मिलिट्री रोड पे हमारा दस्तरखान सजता था, तो यहाँ पे जो दिहाड़ीदार मजदूर, यहाँ पे रश्के वाले जो यहाँ पे डेली बुनियाद पे कमाते हैं, वो ज़्यादा हमारे दस्तरखान से मुतासर होते थे और यहाँ पे फ़ायदा उठाते थे। तो दस्तरखान का सिलसिला रमज़ान जैसे ख़त्म हुआ तो प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो गया, तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए लोगों की अपीलें आ रही थी, हमारी ऑफिस में आते थे, हमसे रब्ता करते थे, हमारी फेसबुक पेजेस पर रब्ता करते थे, उनका ये कहना था कि ये सिलसिला आप जारी रखें। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए WDO पाकिस्तान में यहाँ पर एक सस्ता फूड का आगाज़ किया, जहाँ पे 50 रुपये में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों को कितना फ़ायदा है। आज के मेन्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बिरयानी का रखा है। खाने में क्या रोज़ खराजात कितने ले रहे होते हैं और इसका क्या तरीकेकार है आपका? सर डेली का जो मेन्यू है हमारा मुख्तलिफ है, कभी हमारे पास दाल चावल होते हैं, ये वो मेन्यूज़ हैं जो हम घर में अमूमन हम लोग खाते हैं। तो सर इसका जो इखराज आते हैं, सर मैं बताता चलूं कि जैसे कि आज की बिरयानी है, ये हमारी बिरयानी 20 से ऊपर है, हमारी दो देगे हैं 10-10 किलो की। जैसे कि अगर 50 रुपये की मैं बात करूं, यहाँ पे जो टोकन हमारे पास आते हैं वहाँ पे हम 250 के हिसाब से यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे जो हमारे टोकन काउंट होते हैं 100 काउंट होते हैं, यानी 150 बंदा यहाँ से फ्री में खा के जाता है, जो वो तबका जो बिल्कुल उनके पास पैसे नहीं होते। इसके अलावा ये जो है और कौन कौन से आप प्रोजेक्ट का इकदाम कर रहे हैं? सर बिल्कुल, जैसे WDO पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं, स्पेशली वाटर प्रोजेक्ट, व्हीलचेयर, डिसेबिलिटी, डॉरी, ये सारे हमारे कामों का हम हिस्सा है। दस्तरखान भी ये हमारे कामों का एक ही हिस्सा है जिसकी बुनियाद पे ये आज तक सिलसिला जारी है। इस काम का ख्याल आपको क्या देख कर आया और इस पे रोजाना की कितनी लागत होती है? डेली की जो लागत है हमारी कम से कम 20 से 22 हज़ार तक हो जाती है, या कभी 25 हज़ार तक हो जाती है शरबत वगैरह मिला के। तो यहाँ पे जो हमको डोनेशन मिलती है 50 रुपये के हवाले से, वो कभी 4,500 होती है फ्यूल वगैरह निकाल के, या कभी 5,000 होती है, ये हमारी डोनेशन है। ख्याल हमें इस वजह से आया क्योंकि सर आप देख सकते हैं कि इस महंगाई के आलम में यहाँ पे लोगों को सस्ता खाना मिलना एक मुश्किल की बात है। उस सिलसिले को जारी रखते हुए WDO पाकिस्तान एक अच्छे कदम के साथ, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ, लोगों की डोनेशन के साथ हम यहाँ पे मैदान पे मौजूद हैं। अच्छा, आपको डोनेशन लेने का आपका क्या तरीकेकार होता है? जैसे पूरे पाकिस्तान भर से दुनिया या पूरे दुनिया से आपको लोग देख रहे हैं, आपका क्या तरीकेकार है डोनेशन के कलेक्ट करने का? सर सबसे पहले तो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, हमारे इजी पैसा, JSCash हमारे अकाउंट है, इन सब को भी हट के हमारे डोनेशन बॉक्स यहाँ पे मौजूद है। डोनेशन बॉक्स में कोई भी पैसे जितने भी डालता है उसको हम स्लिप बना के देते हैं कि भाई ये आपकी इतनी क्या आपकी डोनेशन है और ये पैसे आपके इस काम में आपको लगेंगे। अगर कोई बंदा आ रहा है भाई मुझे 10,000 की एक देग मुझे बनवानी है, मैं देग डोनेट करना चाह रहा हूँ, तो उसको विद प्रूफ के साथ, वीडियो फोटोज के साथ उसको डिटेल जाती है। अच्छा सर, आपने इसकी कीमतन क्यों आप खाना फराहम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि गुरबत के साथ साथ हमारे गुरबत में वो भी तबका है जो सफ़ेद पोश तबका है, तो 50 रुपये का रखने का मकसद ये किसी की इज्जत और नफ्स ठेस ना पहुँचे। अगर 50 रुपये यहाँ पे कोई बंदा देगा तो यहाँ पे डट के बैठेगा कि भाई मैं होटल पे जैसे जा रहा हूँ खाना खा रहा हूँ, 50 रुपये देगा, वो पानी भी ज़ोर से मांगेगा जैसे होटल पे मांगता है, भाई मुझे पानी दो, मुझे शरबत दो, ये मुझे प्लेट दूसरी ला के दो, ये मुझे नहीं चाहिए। फ्री में जो सिलसिला चलता था वहाँ पे सिर्फ वो लोग बैठते थे जिनको ज़रूरत होती थी, सफ़ेद पोश तबका वहाँ पे नहीं बैठता था, जहाँ पे जो मिडिल क्लास तबका है वो भी आपका नहीं बैठता था, जो यहाँ पे फूड राइडर्स हैं, यहाँ पे जो आम रश्के वाले वो भी नहीं बैठते थे। 50 रुपये रखने का मकसद ये, वहाँ पे आपका मिडिल क्लास तबका, वहाँ पे आपका ज़रूरतमंद तबका सारे यहाँ पे आके बैठ रहे हैं और फ़ख्र से अपना खाना खा रहे हैं, ये एक अच्छा मैसेज। पाकिस्तान के दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इसको अगर, क्योंकि ये इस तरह के अगर पूरे मुल्क में शुरू होने चाहिए, जगह आपने इनिशिएटिव लिया, तो बाकी लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? सर मशवरा यही है, क्योंकि NGO इदारा या कोई भी लोग हो, चैन तो एक ही है, खिदमत खल्क हमारा एक ही है, तो गुजारिश ही करूँगा सारे मिल के काम करें, और जैसे आप जैसे भाई हमारे पास आते हैं, हमारे जज्बे को और सराहते हैं, जैसे हम और बिल्ड होते हैं, हमारा जज्बा और ताकतवर होता है, और जज्बे में हम चाहते हैं कि भाई हम डेली बुनियाद पे हम ये करें ये करें ये करें। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं गुजारिश करूंगा जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, बढ़ चढ़ के साथ दें, ऐसे नहीं कि आप हमारा साथ दें, आप अपने इलाकों में जाके आप वहीं पर स्टार्ट कर दें, अपने घर से खाना स्टार्ट कर दें, जैसे लोगों को फ़ायदा हो सके। अच्छा सर, कई लोग तनकीद करते हैं कि मुफ्त के दस्तरखान से जो है लोगों को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होता है या गैर मुस्तैक लोग बैठ के खाते हैं, आपका काफ़ी अर्से का तजर्बा, आप इसमें हमने क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों को तनकीद करते हुए देखा गया है कि जी सिलानी या दूसरे ग्रुप जो लोग खाना खिलाते हैं उनको नहीं खिलाना चाहिए, आप इस सिलसिले में क्या अपना तजर्बा कैसे शेयर करेंगे? सर शेयर तो मैं यही करूँगा, क्योंकि तनकीद जिसकी जितनी सोच होगी वो उतनी बात करता है,
तो उसी सिलसिले में जारी बात है, तनकीद करने वाले कभी रुकेंगे नहीं, तो उसको देखते हुए हम अपना सिलसिला बंद तो नहीं करेंगे। मसला ये है कि हमारे दस्तरखान से किसी एक को भी फायदा हो रहा है तो ऐसे समझे हमारा मकसद कामयाब हो रहा है। भले यहाँ पे 99% लोग भले यहाँ पे मुस्तक ना हो, अगर एक बंदा भी मुस्तक यहाँ से खाना खा रहा है तो हमारा मकसद वो है, यहाँ पे वो हमारा मकसद यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आप बता रहे थे कि कुछ इलाकों में आपने हैंडपंप्स वगैरह का सिलसिला भी शुरू किया हुआ, तो उसकी तफसील बताइएगा कि क्या क्या सिलसिला है। सर मुख्तलिफ जगहों का मैं खुलासा करता चलूँ, जैसे जखमाबाद का अंदरूनी इलाका हो गया, शिकारपुर का सुल्तानकोट हो गया, दोस्वा हो गया, जहाँ पे अंदरूनी यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है, जहाँ पे हमारे जो हुक्मरान है या यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पे जाके हमारा इदारा काम करता है। सालेपड़ का रेगिस्तानी इलाका हुआ, अछड़ोथर हो गया, हमारा खैरपुर का हो गया इलाका, हमारा थरपारकर हो गया, वहाँ तक हमारी टीम पहुँची है। उन इलाकों में उन घरों तक हमने पानी मुहैया किया है जहाँ पे लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी भरने के लिए, और वो भी पानी उतना भरते हैं जैसे 2-3 अपने गधों पे, अपनी भैंसों पे वो उन्होंने मटके रखे भर के आए, और जब तक वो 15 किलोमीटर अपने घर तक पहुँचे वही पानी सारा वो रस्ते में मतलब पी जाते हैं, घर के लिए कुछ नहीं बचाते। तो हमारी टीम विजिट करती है उनके घरों में, हैंडपंप मुहैया करती है, और वो अपने घर में सुकून के साथ वो अपना पानी पीते हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, इस नौजवानों की टीम का जज्बा यकीनन लायक तहसीन है, पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लोगों के लिए एक मिसाल भी है। सब लोग अगर अपने अपने इलाकों में इस तरह के इकदाम शुरू करेंगे तो यकीनन इस महंगाई के दौर में सफ़ेद पोश तबके को खासा रिलीफ मिल सकेगा।